गुड मॉर्निंग बच्चों। टेस्ट से पहले हम लोगों ने लेसन 2 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग इंग्लिश रीडर का लेसन 3 स्टार्ट करेंगे, जो कि है ए विजिट टू जयपुर। ठीक, देखो मैं रीडिंग लगाऊंगा, आप भी साथ साथ रीडिंग लगाएंगे। देखो ये जो है, कहाँ ये जो चैप्टर है इसके अंदर क्या बता रहा है कि एक रिया नाम की लड़की है, उसका फ्रेंड है राजा जो कहीं बाहर रहता है। उसने, रिया ने उसको लेटर लिखा है और बताया है कि वो जयपुर घूमने गई थी और उसका कैसा रहा जयपुर। देखो, डियर राजा, हाउ आर यू, तुम कैसे हो। आई हैव बिन मिसिंग यू वेरी मच सिंस यू लेफ्ट स्कूल एंड जॉइन 7 ऑक्स स्कूल इन लंदन। उसने बोला कि मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ, कब से, जब तुम स्कूल छोड़ के गए और तुमने लंदन के 7 ओक्स स्कूल को ज्वाइन कर लिया। डू यू लाइक योर न्यू स्कूल, तुम अपने नए स्कूल को पसंद करते हो। हैव यू मेड सम न्यू फ्रेंड्स देयर, वहाँ पर तुमने कुछ नए मित्र बनाए। अर्लियर दिस मंथ, इस मंथ की शुरुआत में वी हैड अ लॉन्ग ब्रेक, हम लोगों ने एक लॉन्ग ब्रेक लिया। माई डैड, मेरे पिताजी ने डिसाइडेड टू टेक अस ऑल टू जयपुर, हम लोग सबको जयपुर ले जाने का डिसीजन लिया, डिसाइड किया। द कैपिटल सिटी ऑफ राजस्थान, जो कि राजस्थान की कैपिटल सिटी है। राजस्थान की कैपिटल क्या है, जयपुर है ना। फॉर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के लिए, वी वॉन्टेड टू इन्जॉय सम राजस्थानी फूड एंड कैच अ ग्लिम्स ऑफ राजस्थानी कल्चर, हम लोग राजस्थानी फूड को, राजस्थानी भोजन को इन्जॉय करना चाहते थे और राजस्थानी कल्चर के बारे में जानना चाहते थे। फ्रॉम कैलकटा वी टुक अ प्लेन टू न्यू दिल्ली, कैलकटा से हम लोगों ने प्लेन लिया एंड देन दिल्ली के लिए, एंड देन हायर्ड अ कार टिल जयपुर, और फिर वहाँ से कार ली जयपुर तक के लिए। दो जयपुर हैज़ अ लार्ज एयरपोर्ट, जबकि जयपुर में भी एक बड़ा एयरपोर्ट है। वी वॉन्टेड टू इन्जॉय अ रोड ट्रिप, हम लोग क्या चाहते थे कि हम लोग सड़क की यात्रा को भी, उसका भी इन्जॉय करें। यू सील डैट हैड बुक टू रूम्स इन द टूरिस्ट लॉज रन बाय द राजस्थान टूरिज्म बोर्ड, मेरे पिताजी ने राजस्थान टूरिज्म बोर्ड के टूरिस्ट लॉज में 2 कमरे बुक कराए थे। वी अराइव्ड इन द इवनिंग, हम लोग शाम को पहुंचे एंड डिसाइडेड टू रेस्ट फॉर द नाइट, और रात के, और हमने ये निर्णय लिया कि हम लोग रात को आराम करेंगे। अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन सुबह, वी वेंट टू विजिट द अंबर फोर्ट, हम लोग अंबर फोर्ट घूमने के लिए गए। वी टुक अ टैक्सी टू दिस ब्यूटिफुल फोर्ट डैट वॉज अबाउट 10 किलोमीटर अवे फ्रॉम आवर होटल, हम लोगों ने टैक्सी ली और हम लोग गए, वो जो फोर्ट था वो हमारे होटल से 10 किलोमीटर दूर था। डैड हायर्ड अ लोकल गाइड, पिताजी ने एक वहाँ के स्थानीय गाइड को हायर किया, हु टोल्ड अस अबाउट दिस ओल्ड फोर्ट एंड इट्स हिस्ट्री एज वी वॉक टू द फोर्ट, उसने हमें उस फोर्ट के बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में बताया जब हम फोर्ट में घूम रहे थे। बेटा गाइड का मतलब, गाइड एक ऐसा पर्सन होता है जो हमें कहीं घूमने जाते हैं तो वो हमें बताता है, ये हमें कि उस वहाँ की चीज़ों के बारे में बता, जो बताए हमें, ज्ञान दे, उसको हम लोग गाइड कहते हैं। द मैग्निफिकेंट फोर्ट कंप्राइजेज अ पैलेसेस कॉम्प्लेक्स बिल्ट फ्रॉम पेल येलो एंड पिंक स्टोन, जो ये पैलेस था वो किससे बना हुआ था, एक पीले पत्थरों से और पिंक पत्थरों से बना हुआ है। द पैलेस कॉम्प्लेक्स इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन, उसको 4 भागों में डिवाइड किया गया था, ईच विथ इट्स ओन कोर्टयार्ड, सबका अपना एक कोर्टयार्ड मतलब आंगन टाइप का था। वी एंटर्ड अंबर फोर्ट थ्रू द सूरज पोल सन गेट, सूरज पोल जो है वहाँ पर सन गेट, उसकी तरफ से हम लोग उसमें घुसे, विच इज लीड टू जलेब चौक, वो जलेब चौक पे था है ना, जो मेन कोर्टयार्ड है। दिस एरिया कुड बी व्यूड बाई वुमेन फ्रॉम द विंडोज ऑफ द पैलेस, ये जो एरिया था वहाँ पर जो पैलेस की विंडोज थी, खिड़कियाँ बनी थी, वहाँ से वो औरतें उसको देखती थी। फ्रॉम जलेब चौक अ ब्यूटिफुल स्टेयर वे लीड्स अप टू मेन पैलेस, वहाँ से जलेब चौक से एक बहुत सुंदर सीढ़ियों का रास्ता था जो मेन पैलेस की तरफ जाता था।
वी वर हैप्पी डैट द गाइड वॉज विथ अस एज देयर वर मैनी नैरो एलेज एंड कन्फ्यूजिंग टर्न्स. हम लोग खुश थे कि हमारे साथ गाइड है, क्योंकि वहाँ पर इतनी ज़्यादा सुरंगें थी, इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग टर्न्स है कि हम लोग खो जाते. ही टूक अस थ्रू द वेरियस कोर्टयार्ड, वो हमें जगह जगह ले करके गया. एलेज एंड टेम्पल ऑफ द फोर्ट, दीज हैड ब्रिलियंट मिरर वर्क. These had brilliant mirror work and stone patterns. वहाँ पर बहुत सुंदर पत्थरों और शीशों से नक्काशियाँ की गई थी. ठीक है, चलो आज हम लोग इसको यहीं तक करेंगे बेटा. फिर नेक्स्ट क्लास में इसकी आगे की रीडिंग लगाएंगे. तब तक के लिए बाय.